guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome Nidhi, first time ever. Yeah. वैसे मैं ये बात निधि की अभी हम लोगों ने उसके चैनल के लिए जो वीडियो शूट करी थी उस पर बता चुकी हूँ, बट आई रियली वांट टू मेंशन दैट वी नो ईच अदर फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स, बट वी हैड नेवर थॉट ऑफ डूइंग अ वीडियो, ओनली बिकॉज कभी ऐसी चीज दिमाग में आई नहीं हमें कि हमें वीडियो करनी ही करनी है, अगर हम मिल रहे हैं तो करनी है. प्लस आई थिंक नजर ना लग जाए हमारी फ्रेंडशिप का. एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जब आप ज्यादा टू मच करो, टू मच दिखाओ, सो वी वांटेड टू कीप आवर फ्रेंडशिप ऑफलाइन. आई थिंक वी वर ऑन द सेम पेज शुरू से. सो हम एक दूसरे को ऑनलाइन उतना ऐसे लवी डबी नहीं होते, बट वी आर वेरी 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 क्लोज. या एंड निधि हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी, लाइक. और ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे मुझे निधि की जरूरत पड़ती है, मुझे वेरी ऑफन उसकी जरूरत पड़ती है. एंड शी हैज ऑलवेज बिन देयर विदाउट थिंकिंग कि मुझे यू नो इससे ये फायदा हो सकता है या वो फायदा हो सकता है. दैट्स द रीजन कि हमने कभी वीडियो साथ में करने के बारे में इसलिए भी ज्यादा कभी सोचा नहीं, मतलब वी वर नॉट अगेंस्ट इट कि हमें वीडियो करनी नहीं है, बट कभी मौका नहीं हुआ तो फिर ऐसा भी नहीं लगा कि करनी ही करनी है, अदरवाइज फ्रेंड्स क्यों. एक और रीजन है, सो व्हेनेवर वी मीट ना, हमारा बातों में चला जाता है. सो इवन आज भी जैसे हमने सोचा था कि नहीं हम आएंगे, पहले शूट करेंगे फिर बातें करेंगे, बट वी टॉक्ड फॉर एन आवर, उसके बाद अच्छा चलो अब शूट करते हैं. हल्के से आंखों में मेरे आंसू आए, निधि के भी आए, है ना. हमारा हो जाता है जब भी हम मिलते हैं, हम बहुत अच्छे से बातें करते हैं. एंड फोन पे भी कई बार हम जब बात करते हैं तो इट्स ऑलवेज बिन वेरी, वो कनेक्ट है एक हमारे बीच में. इट्स नॉट ओनली अबाउट के एक दूसरे को किसी भी तरीके से हमें मिल्क करना है. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज ऑन माय चैनल एंड आई आल्सो वेंट. नहीं, एक बार मैंने व्लॉग किया था जिसमें तुम थी. हां, और मैंने भी एक बार व्लॉग किया था जिसमें तुम थी. जब मैं दिल्ली आई थी तभी ना, मैं दिल्ली आई थी तब मैंने भी जो आई थिंक व्लॉग किया था शायद, ऐसे कुछ था. मतलब व्लॉग पे ऐसे हाय हेलो हुआ था, बट उसके अलावा नहीं. एंड आई थिंक वी आर दोस काइंड्स ऑफ फ्रेंड्स की हम रोज भले ही बात ना करें, बट व्हेनेवर वी टॉक ऐसे दो तीन घंटा बात हो जाती है. करेक्ट करेक्ट. एंड मेरे यूट्यूब पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे ऐसे दो ही फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने विद टाइम ये चीज एक्सपीरियंस किया है कि हम एक दूसरे के साथ किसी रीजन से नहीं है. एक तुम हो और एक शिवांगी है जिसका स्नैक कॉस्मेटिक्स है. उसके साथ भी कभी भी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कभी ऐसी चीजों की बातें नहीं हुई है. सो शी ऑल्सो हैज बिन देयर फॉर मी एंड सेम विद निधि. निधि तो बहुत जगहों से मुझे बचाती है, बहुत जगहों से. अभी तीन चार दिन पहले भी ऐसे हुआ था ना, कहीं भी मैं फंसी थी एंड लाइक रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी है, मैं कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं तुमको ये भेज रही हूँ, ऐसे करो वैसे करो. सो या थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माई चैनल. तो आज अभी हम लोगों ने पहले निधि के चैनल के लिए एक वीडियो शूट करी है जिसमें हम लोगों ने एक फन सा मेकअप चैलेंज किया है. तो निधि कटियार के चैनल आई एम श्योर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे. नहीं कर रहे तो अगर नहीं कर रहे हो तो कर लो. और उस पर हम लोगों ने एक वीडियो डाली है, वो भी आ चुकी है इस वीडियो के बाद, वो भी देख लेना. और वो है एक फन सा मेकअप चैलेंज. इसमें भी हम मेकअप करेंगे बट साथ साथ हम थोड़ा सा बतियाएंगे, ज्योति ने मुझे भेजी थी, बट आई कुडंट वेयर इट. एक तो वहाँ ठंडी थी एंड दूसरी मेरा ऑफिस शिफ्ट हुआ था. सो व्हेन आई वाज कमिंग हियर, ज्योति वाज लाइक वो साड़ी जो है तुम बताओ कौन सी है, तुम्हारे पास वी वेयर द सेम साड़ी. एंड Guys, today is the first time I wore this saree. मैं 5 मिनट शीशे के सामने कर रही थोड़ा लाइट लिया था ना इस साड़ी को, पहले लिया होगा लाइट. नहीं, मैंने खोली नहीं. I was like कि मैं इसको बहुत अच्छे से get ready with me, shoot करूंगी इसके साथ में. I wanted to do like a really nice video क्योंकि color is black. जब निधि ने अभी इस बार पहनी है ना, अभी साड़ी 10 मिनट पहले, तो शी केप्ट लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर कि आई हैड टू लिटरली टेल हर कि बस कर, निहारी जाएगी ना अपने आप को. तो शिल्पा यार अच्छी बहुत लग रही है साड़ी, उसमें बहुत फबरी है, बहुत अच्छी लग रही है. सो या ये आभारी की साड़ी है. तो अब मैंने भी सोचा कि मैं भी फिर यही साड़ी पहन लूंगी इस वीडियो में और हम दोनों ट्विनिंग करते हैं. एनीवे ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेंगे और साथ साथ मेकअप करेंगे. इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सो इट्स ओके. उसमें कंपटीशन था वो वाली वीडियो जरूर देखना, के पागल हो जाओगे. ओके, स्टार्टिंग विद द कंसीलर. बट हम कोई प्रोडक्ट्स बताने नहीं वाले हैं. मैं नीचे लिस्ट कर दूंगी प्रोडक्ट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं. मेरी ही किट यूज कर रहे हैं, तुम भी मेरी ही किट यूज कर रही हो. जस्ट एक दो प्रोडक्ट्स अपने यूज कर रही हूं. हां, तो पहला क्वेश्चन है निधि. हाई, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील स्टक इन लाइफ एंड यू कांट सी अ वे टू मूव अहेड इन लाइफ? ये निधि जवाब देगी. सो दिस हैज बीन माय लाइफ आई थिंक पिछले एक साल में, एंड आई फील स्टक. Whether it's YouTube or my business, thankfully touch wood, personal life is not stuck. It's
good right now. But with YouTube and my business, I feel so stuck. And honestly, बताऊँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या ही advice दूँ जब I am also in the same space. But what I honestly do is number one, I cry. क्योंकि वो pent up frustration जो है ना उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंदर से. So I literally just इतना सा रोना आ रहा है ना बस रो लो. एंड देन आई सिट डाउन एंड लुक फॉर सॉल्यूशंस कि इससे बाहर निकलने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ. सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड लिंगर ऑन टू अ प्रॉब्लम. आई ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस कि अच्छा अब अटक गए ना तो दुख मनाने की बजाय या फिर उस पर ओवर थिंक करने की बजाय लेट्स फिगर आउट कि इसको इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं. एक मूवी देखी थी मैंने ठीक है आई डोंट रिमेंबर द नेम क्योंकि उसका एक छोटा सा स्निपेट दिस स्पेसिफिक स्निपेट मैंने यूट्यूब पे देखा था. एंड उसका सार ये था कि लाइफ में अच्छे मोमेंट्स आते हैं राइट लाइफ में बुरे मोमेंट्स भी आते हैं बट बुरे मोमेंट्स कितना भी आपको नीचे खींच लें अगर आप उनको होल्ड ऑन करके रखोगे ना इट विल किल यू. इट विल लिटरली इट वुड बी द डाउनफॉल ऑफ यू. बट थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि जैसे कहते हैं ना कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन आते हैं तो बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आएंगे. All you have to do is just believe in yourself. A lot of time, आपने सब कुछ किया होगा, but your luck is not in your favor. क्या करोगे आप? That's not something that you can, you know, आप उसपे control नहीं कर सकते. तो जैसे मेरा YouTube channel doesn't like बहुत fluctuate होता है, कभी ठीक ठाक चलने लगता है, कभी एकदम से गिर जाता है. So अगर मैं उसके बारे में सोचने लग जाऊँ कि हाय मेरा channel तो चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, दूसरों के channel चल रहे हैं, तो फिर I will be stuck. But if I am not doing anything about it, that's the problem. I have to do something about the situation that I'm stuck in. So that's how I believe in it. But yeah, मुझे ऐसा लगता है all this while जब मेरा बचपन भी और मेरी जो भी years रहे हैं उसमें ना आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. आई एम श्योर एवरीबॉडी सीन हर किसी के अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं. आई एम नॉट द मोस्ट दुखियारी इन दिस वर्ल्ड बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हाँ तो अभी तक जो भी मैं फेस करती थी या जो भी चीज़ें मेरे साथ होती थी ना लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं तो हर चीज़ से निकलने का मेरे पास एक तरीका है. आई कैन गेट आउट ऑफ इट. आई एम नॉट गोइंग टू सल्क और एनीथिंग. तो मुझे ऐसे लगता था हमेशा से बिकॉज मैं निकली भी हूँ सारी सिचुएशन से इस तरीके से. बट मुझे ऐसा लगता है कि विद एज और मे बी कह सकते हैं कि कुछ कुछ जो हर्ट होता है ना कुछ कुछ जो चीजें होती हैं वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं. बट देन टाइम जो है ना ज्योति आई फील टाइम इज वेरी यस आई वाज गोइंग देयर ओनली यस 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 कि गिव इट टाइम गिव योरसेल्फ whatever time you want to give, whatever you want to do about it. क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी आज की डेट में लाइफ में लगती हैं कि ये इस तरीके की डार्कनेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी. मैंने कितने तरीकों के दुख देखे हैं. आई हैव लॉस्ट पीपल माई मदर माई फादर एवरीबडी बहुत तरीकों की चीज़ें रही हैं. बट आज जिस स्टेज पे मैं हूँ लाइफ की वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डार्कनेस जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया. तो मुझे उसका सोल्यूशन ही नहीं है. सो आई टोटली गेट कि सिर्फ ये सोच लेने से कि यू नो आई कैन डू इट और कई चीजें हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं देन टाइम इज द बेस्ट हीलर. राइट. सो आई मीन आई हैव बीन इनटू सिचुएशंस जहां पर मुझे लगता है यार मतलब इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूंगी. लाइक स्पेसिफिक इंस्टेंस नहीं बता सकती मैं बट द थिंग इज दैट थोड़े टाइम के बाद आई फेल दैट उस वो जो लाइफ का मेरा साल था या 6 महीने थे ना दे होल्ड नो इम्पॉर्टेंस इन माई लाइफ एट दिस मोमेंट. लाइक वो बाद में हमें लगता है 5 years down the line. बट उस स्टेज से निकलना इज अ डिफिकल्ट टास्क. ये तो है मुश्किल होता है बट येस यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड ये बताना है अपने आप को बार बार कि टाइम इज अ वेरी गुड हो जाएगा टाइम के साथ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गाइज चूज फ्रेंड्स इज इट इजी और इट जस्ट हैपेंस. पहले तुम बोलो इसका आंसर. हाँ ठीक है ऐसे ही करते हैं एक पहले तुम दोगे फिर मैं दूंगी. सो मेरे फ्रेंड्स मैं कैसे चूज करती हूँ यार चूज नहीं करते आप कभी भी फ्रेंड्स. आप रैंडमली कभी किसी को मिलते हो जैसे मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है प्रीति मैं उसे एक सैलून में मिली थी बहुत सालों पहले कुछ 7-8 साल पहले और वो भी एक कुछ सर्विस के लिए आई हुई थी और मैं भी सर्विस के लिए आई हुई थी एंड शी जस्ट रैंडमली आस्क्ड मी कि ये कलर तुमको लगता है मुझ पे जाएगा मेरे बालों पे अच्छा लगेगा. एंड देन या वी वर जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर इन द सैलून एंड शी आस्क्ड मी एंड आई वाज लाइक कि हाँ तुम एक काम करो ऐसे कर लो वैसे कर लो. एंड देन उसके बाद जब हमारी सर्विस बाय चांस सेम टाइम पे फिनिश हुई आई डोंट नो व्हाई एम आई टेलिंग दिस स्टोरी बट ठीक है इट्स ओके. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ रैंडमली यू मीट पीपल. इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को मिलते हो और फिर आप सोच लेते हो इसको फ्रेंड बनाना है.
धीरे 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 चीजें ग्रो होती हैं. सो उस दिन फिर यही हुआ कि एंड में मैंने उसको आई एंडेड अप ड्रॉपिंग हर टू हर हाउस उस दिन सैलून से बाहर निकलते हुए. मैंने कहा कि अच्छा मैं उधर ही जा रही हूँ, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देती हूँ. देन वी गॉट टू टॉकिंग एंड उसके कुछ टाइम बाद तब आई वाज डेटिंग कमल. ओह हाँ या तब आई वाज डेटिंग कमल एंड देन आई वाज टेलिंग हर कि कैसे कैसे यू नो मेरी शादी थोड़े टाइम में शायद हम कर लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. देन शी केम टू माय शादी. सो इट वाज अ प्रोसेस. बट हाँ कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए बहुत ही एकदम रेड फ्लैग होती है रिलेशनशिप में, चाहे वो जेलसी हो. अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी खुशी से खुश नहीं हो रहा है या फिर आपकी ग्रोथ से खुश नहीं हो रहा है या फिर वो ऐसी चीजें जो है, अगर वो मुझे लगता है देन आई डेफिनेटली मैं अपने दोस्तों से, कुछ दोस्त हैं मेरे जिनसे मैं टाइम के साथ बात करनी बंद कर दी है. मैं नहीं करती हूँ उनसे बात ज्यादा, मैं उनसे कनेक्ट में नहीं रहती हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरी जिंदगी में वैसे भी रहे हैं. रिसेंटली भी कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात करनी कम करी है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार एक सेकेंड, मतलब हर रिश्ता किसी रीजन से ही है. मतलब हर रिश्ता रीजन से ही है किसी ना किसी. कि अगर आजकल की डेट में मैंने देख लिया स्पेशली बॉम्बे में फ्रेंड्स बना रहे तो सिर्फ इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि कोई फ्रेंड्स चाहिए. पार्टी किसके साथ करेंगे या यहाँ कहाँ जाएंगे या फिर अच्छा नहीं लगता या फिर मैं अकेली हूँ तो कोई फ्रेंड्स चाहिए. तो वो जो रीजंस हैं फ्रेंड्स बनाने के मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आते हैं. आई डोंट इवन ओवररेट फ्रेंडशिप्स. अगर किसी के साथ आप दिल से खुश हो, किसी भी कोई भी किसी तरीके का भी रिलेशनशिप हो, उसके साथ अगर आप एक्चुअली आपको हैप्पीनेस मिल रही है तो यू स्टे विद दैट पर्सन. अदरवाइज आप वो कर लो, इतना ओवर ड्रामेटिक बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तियों को. इफ इट गिव्स यू हैप्पीनेस ओके, वर्क ऑन इट अगर पॉसिबल है. इफ नॉट देन ठीक है, मेंटल पीस ज्यादा जरूरी है. आई टोटली अग्री विद इट एंड आई थिंक फॉर मी वाइबिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक आपको पहले कॉन्वर्सेशन से ही पता चल जाता है कि दिस इज द पर्सन जो कि आई कैन बी फ्रेंड्स विद, लाइक समझ लो. हाँ बट धीरे धीरे जब आप उनके साथ रहते हो तो बहुत सारी और भी चीजें पता चलती हैं. बट जैसे फर्स्ट इंस्टेंस जो है ना, देखो वाइब वाइब वाली बात, वाइब वाइब मैच हो गई तो देयर इज अ चांस कि आगे कुछ होगा. हाँ बट कई बार होते ना कुछ लोग बहुत नेगेटिव वाइब्स रहते हैं. मतलब इवन इफ दे आर टॉकिंग टू यू, यू नो दैट फॉर श्योर भाई आई कांट कंटिन्यू टॉकिंग टू दिस पर्सन. सो आई जज इनिशियली, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना मेरा वही है कि हाउ मच आई जेल विद द पर्सन एंड देन गोइंग फॉरवर्ड वो अपने आप ही फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, वो इट बिकम्स लाइक एक ऑटोमेटिक प्रोसेस ही हो जाता है. सो दैट्स अबाउट इट. बाकी एवरीथिंग एंड जो भी सेड, ऑनेस्टली मुझे ऐसे भी लगता है मे बी आई एम जस्ट इन अ फेज जहाँ पे मैं ऐसा सोचने लग गई हूँ. सॉरी अगर थोड़ा नेगेटिव साउंड करूँ, पर मुझे ऐसे भी लगता है कि आपने अकेले आए थे, अकेले ही जाना है. इंजॉय योर लाइफ, चाहे अकेले हो चाहे कुछ भी हो, शांति होनी चाहिए आपकी जिंदगी में. और अगर कुछ लोग हैं आपके आसपास तो बस उतने ही लोग रखो जो एक्चुअली आपके लिए खड़े होंगे और आप भी जिनके लिए खड़े होंगे जिंदगी में. सो ज्यादा इतना सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है शो ऑफ करने के लिए कि यू नो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि आपकी अभारी की साड़ी में कब आएंगी? क्या तुम्हारा ब्रांड जो है वो क्रुएल्टी फ्री है? यस, सो वी मैन्युफैक्चर एवरीथिंग इन इंडिया और इंडिया में एनिमल टेस्टिंग इज नॉट अलाउड. सो आर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं यार क्रुएल्टी फ्री नहीं, क्योंकि मैं अपने ऊपर टेस्ट करती हूँ. यू अब्यूज योरसेल्फ. यार अगर कुछ होता है तो मुझे ही होता है. जैसे कई बार होता है फॉर्मुलेट, देखो देयर आर लॉट ऑफ टेस्टिंग्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन और एनिमल टेस्टिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्ट्स स्टेबिलिटी. ठीक है, जब प्रोडक्ट बनता है तो उसको उसके कंटेनर के साथ में टेस्ट किया जाता है कि ये जो है इस कंटेनर में फीजिबल भी है कि नहीं है. अलॉट ऑफ रिएक्शन फट जाते हैं कंटेनर, सो दैट्स लाइक नंबर वन थिंग कि मेरा जो कॉम्पोनेंट है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. देन वी डू लाइक शेल्फ पे महीना महीना भर प्रोडक्ट रखा रहता है टू सी की सेटलमेंट तो नहीं हो रहा, फंगस या फिर कुछ किसी तरीके का माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हो रहा है उसमें रखे रखे. सो अ लॉट ऑफ टेस्टिंग्स आर डन. दिस इज सो मच वर्क ना इफ यू आर इनटू मेकअप स्किन केयर और एनीथिंग. इट इज ऑलवेज वर्क, पीपल डोंट रियलाइज इट बिकॉज दे फील कर रही है तो एक के बाद एक लॉन्च जस्ट करे जा रही है. बट takes a lot of time, like कोई भी product launch होने में it takes good, मैं कहूँगी बहुत भी fast करूँगी ना मैं तो 9 से 10 महीने लग जाते हैं. बहुत fast कि मैंने आज lock करा और बस फटाफट से बनना शुरू हो गया.
बट तुम वो बना के बैंक बना के रखती हो इसलिए लोगों को लगता है कि तुम वो कर रही हो. जैसे हाउ यू आस्क्ड मी ना कि फिर तुम अभी ऐसा सीन है तो क्यों तुम लॉन्चेस कर रहे हो. लाइक दे वर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन, वी ऑलरेडी वर वर्किंग ऑन द कैंडल्स, वी ऑलरेडी वर डूइंग दिस एंड वही 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 सेम चीज. सो आई वर्क ऑन 2-3 प्रोडक्ट्स एट अ टाइम. बीच में फिर मैं ब्रशेस लॉन्च कर देती हूं. तो ब्रशेस में तो कैमिकल टेस्टिंग का कोई चक्कर ही ना. दीस आर सिंथेटिक, दीस आर सिंथेटिक ब्रशेस. सो दिस इज एनिमल टेस्टिंग फ्री, सिंथेटिक है, मेड इन इंडिया है. मेरे कोई भी ब्रश में गोट हेयर, पोनी हेयर नहीं होता है. सो यस, वी आर एनिमल टेस्टिंग फ्री. वी आर नॉट वीगन हाउएवर, बिकॉज बीज वैक्स वगैरह यूज होता है. ठीक है, हाउएवर इट इज एथिकली सोर्स्ड बीज वैक्स, क्योंकि यू नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला बीज वैक्स होता है. वो वीगन नहीं है, बट क्रूल्टी फ्री है. एक्सप्रेशन पढ़ ले, मैंने अपने आप नहीं डाला. निधि Someone's nature, Nidhi did not find relatable in her recent Pondy trip with influencers. You have to answer this. Yaar, aise mat karo. I am not letting you go without answering this question. Chalo, I'll give you an honest. Acha, okay. Nahin, honest ka matlab, by honest she means okay. Theek hai, I'll give you a diplomatic answer. Nahin, diplomatic nahin. Matlab diplomatic haan, theek hai. Nahin, diplomatic nahin. So the thing is that I did not vibe with anybody, honestly speaking. I'll tell you why. So the thing is, I can gel up with people and I can be with them happily. So I was happy with them. But the thing is that there's an age difference. Yeah. So theek hai, there are things that I look from a motherly perspective. Because you know, yeah, shaadi ho gayi 17 saal, to wo nature kahan leke jaun main. Ab main 22-23 saal ki to hoon nahi, ya fir single aap hote ho, to your nature is totally different from people who are married. Samajh rahe ho? You're so right. Yes. मुझे भी प्रीति कई बार बोलती है ए मम्मी मत पहनने दी. यू कांट हेल्प इट. ऐसे उनकी कोई गलती नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इट्स जस्ट माय नेचर. फर्स्ट एक तो ये हो गया. दूसरा एक और चीज, सो आई एम अ वेरी लो मेंटेनेंस पर्सन. ठीक है, आई डोंट लाइक टू लेयर मेकअप एवरी सिंगल डे अपने ऊपर. एंड टचवुड, थैंकफुल दैट वन ऑफ द रीजन ऑफ दैट इज दैट आई एम टचवुड ब्लेस्ड विद गुड स्किन. सो मेरे डार्क सर्कल्स हैं, बट आई डोंट माइंड, आई एम्ब्रेस देम. यार अब हैं तो हैं, कहाँ लेके जाऊँ मैं, है ना. एंड इतनी गर्मी में ऑनेस्टली मेरा बिल्कुल और मन नहीं करता. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट डू मेकअप, बिकॉज आई डिड मेकअप ऑन दैट ट्रिप. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट डजंट कम टू मी नेचुरली कि यार मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे मेकअप करना ही चाहिए. सो दैट्स द प्रॉब्लम. जबकि वो दे दीस पीपल आर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स एंड दे फील दैट इट इज नेसेसरी दैट यू नो आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी. उस वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ? लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं, मतलब सब लोग करते हैं ना तो पीयर प्रेशर में आ जाते हो. अब सबकी फोटो अच्छी आएंगी, मेरी काले काले डार्क सर्कल्स मेरे दिखेंगे. सो थोड़ा सा वो पीयर प्रेशर, या फिर यू नो आउटफिट्स ऑफ द डे. वो तो मेरे आउटफिट अच्छे थे, क्यूट क्यूट, बट वो भी प्रेशर होता ही है. वो मुझे भी होता है. जैसे मैं ज्यादा उतना तैयार वैयार होने वाले लोगों में से नहीं हूँ, तो मुझे भी प्रेशर हो जाता है. सो आई लाइक टू वेयर क्यूट आउटफिट्स. ऐसा नहीं है, मतलब कपड़े पहनने का शौक तो आगे सबको ही होता है, बट आई कैन नॉट प्लान. इट्स जस्ट दैट आई थिंक आई वुड गिव इट टू माय अपब्रिंगिंग आल्सो थोड़ा सा, बिकॉज़ घर में हमेशा वो माहौल था पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. तो और मेरी दीदी यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज स्टफ. मतलब तुम इमेजिन करो कि मेरी शादी थी, मेरी शादी का लहंगा मेरे हुए बगैर ही स्टिच हो गया. मतलब विदाउट माय मेजरमेंट्स माय शादी का लहंगा वाज स्टिच्ड. किससे मेकअप होगा मुझे पता नहीं. मैं अपनी शादी के 2-3 दिन पहले तो शादी के लिए पहुंच रही हूँ. एंड दिस इज व्हेन लाइक आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. तो बेसिकली ट्रिप में कोई इतना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी. इट्स जस्ट लाइक माय नेचर योर दिस थिंग के हां वो कोप अप करना थोड़ा सा स्पेशली बिकॉज़ ऑफ एज एंड ऑल दैट सेम होता है. सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. आई थिंक वी शुड डू अ ट्रिप, दोनों नाइट सूट में ट्रिप भी बात है. दोनों नाइट सूट में. एक्चुअली नॉट वो जो मैंने बोला पीयर प्रेशर, इट वाज नॉट पीयर प्रेशर आल्सो. आई थिंक इट वाज यू गाइस प्रेशर. क्योंकि क्या होता है ना, चार लोग अच्छे से तैयार हुए और आप अच्छे से तैयार नहीं होंगे ना. निधि दीदी तो तैयार नहीं हुए. तो आई थिंक वो टेंशन और प्रेशर में मैं ज्यादा अपने आप को आई वाज पुशिंग माय सेल्फ थोड़ा सा वहां पर. अदरवाइज यार ठीक है, मेरा मजा तो आता ही है व्हेन यू गो आउट विद सो मेनी पीपल, बट ध्यान दिए प्रॉब्लम रियली रियली. Let's What is the silliest thing you have done to draw someone's attention?
सो अभी तो आई एम वेरी मैच्योर, अब मैं ऐसी हरकतें करती नहीं हूँ, बट व्हेन आई वाज लाइक आई जस्ट गॉट मैरिड नाउ आई वाज 19 यार, आई वाज वेरी यंग, वेरी इंप्रेशनेबल, एंड बिकॉज मैं जिस घर से, मतलब आई वाज द थर्ड चाइल्ड एंड वेरी पैम्पर्ड, क्योंकि उसके बाद भाई था और मैं नाजुक सी, मैं तो मम्मी है ना, तो समझ सकते हो कितना पैम्पर किया जाता होगा. So I had my ways of getting things done घर पे, अपने हाँ रोना शुरू करा, मिल गई नहीं, मैं तो मान ली जाती थी. तो when I got married, my husband didn't take it. ऐसे रोना धोना वाला ऐसे यार, मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस था हमारा, कॉलेज कभी साथ रहे नहीं, ज्यादा चीजें नहीं. हाँ तो हमने सिर्फ बात करी थी. सो वी रश्ड इनटू, आई वुड नॉट से रश्ड, बट वी गॉट मैरिड प्रीटी अर्ली, वी न्यू ईच अदर फॉर अ ईयर एंड देन वी गॉट मैरिड. ओके. तो जब भी हमारा ऐसे डिसएग्रीमेंट होता था, आई लिटरली यूज्ड टू क्राई लाइक अ चाइल्ड, चीख चीख. मम्मी पापा की याद आती होगी? मम्मी पापा की याद नहीं आती थी, आई थिंक जस्ट फॉर योर अटेंशन कि तुम मुझे चुप कराओ आके. अच्छा, समझ रहे हो. पर वो तो सब औरतों को करना पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है जब तक आप रोते नहीं हो ना, आपके पतियों को लगता ही नहीं है कुछ सीरियस बात है. मेरा पति अलग ही टाइप का है अब तो, अगर मेरा एक आंसू भी गिर, आई हैव स्टॉप्ड क्राइंग, आई हैव कंप्लीटली चेंज मेरी पर्सनालिटी. इफ यू वुड हैव नोन मी 10 इयर्स अगो ना, तुम कहोगे नहीं दी, तुम दूसरी नहीं दी हो. अच्छा, आई हैव, बट दैट हैपेंस विद एवरीवन, वी इवॉल्व विद टाइम, एवरी 5 इयर्स वी चेंज एज पीपल. द थिंग इज दैट नाउ आई ट्राई नॉट टू क्राई, एट लीस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज अभी उनको असर नहीं होता है. असर नहीं होता है, यू वुड लाइक रो के मत दिखाओ मुझे, तुम्हें बात करनी है ना, शांति से बात करो, वी कैन टॉक लाइक ह्यूमंस, यू डोंट हैव टू क्राई, एंड आई एम एन इमोशनल पर्सन. तो अब जब मैं रोती हूँ तो वो बिना रोए आंसू गिर जाते हैं, समझ रहे हो. ही कैन नॉट हैंडल इतना लेवल ऑफ इमोशन, दैट किसी और का भी नहीं. नहीं, मतलब इट्स नॉट जस्ट विद मी, अगर जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं या मेरी मदर इन लॉ हैं, वो थोड़ा इमोशनल, तो ही इज लाइक नहीं. डुगू, अगर डुगू को उन्होंने डांटा, डुगू ने रोना शुरू कर दिया, लाइक रो के नहीं दिखाओ. अच्छा, सबके साथ ही, सबके साथ ही सेम है. सो ही कैन नॉट हैंडल दिस पर्टिकुलर इमोशंस. मेरे वाले केस में ऐसे होता, अच्छा पहले मैं वो बताती हूँ कि क्या मैं करती हूँ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए. क्या करती हूँ मैं यार, मैं भी तो रोती हूँ यार. हाँ मैं भी रोती हूँ, बट मेरा बहुत कम रोना होता है. लेकिन मैं उस टाइम पे रोती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान समझ ही नहीं पा रहा है मेरे हर्ट के लेवल को. तो अब मुझे ऐसा नहीं कि रोना पड़ेगा, बट बिकॉज अब मुझे उसके सामने भी रोना पड़ेगा, उसको समझ आना चाहिए कि इट इज सीरियस. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉटीएस्ट ड्रीम यू हैव एवर हैड? दीदी मुझे इसके नॉटी ड्रीम्स पता है कुछ. डू यू रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Oh yes, yeah, yes, I remember. But and we are quite similar in that way. Yeah, I we can't talk about that. But मैं एक naughty dream अपना, मेरा naughtiest dream वो रहा है कि मेरे कुछ idols हैं life में, ठीक है? Okay. मैं उनको like पूजा कर लूँगी. And I've had like sexual encounters with those people in my dream. I don't know why. I don't know what is the meaning of that. Like I would respect the person so much. Like मेरे लिए भगवान है. But then you want them in your life also. That's why the dream. I don't know. Converts like that. Maybe. I don't know, but. I have no, like zero such feelings. This happens with almost everybody. Really? I guess so. Because, you know, hum romanticize karte hain unka relationship, unka life. And that's how I think it just, wo wale hum us tangent pe chale jate hain. Sure. You, I don't know how mine was. All in, kyun romanticize nahi karte ho ki yaar uska relationship kitna achha hai apni wife ke saath. And then you would want a similar relationship with your spouse maybe. And then... गुरदास मान साहब है जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो लिटरली मतलब लोग भी उनको, काफी लोग हैं जो उनको लाइक पूजते हैं, ठीक है. एंड आई डोंट नो, वेरी वियर्डली स्ट्रेंजली मुझे एक दिन ऐसा ड्रीम आया दैट यू नो दैट सेक्सुअल एनकाउंटर विद हिम, सो इट वाज वेरी वियर्ड फॉर मी व्हेन आई वोक अप. आई आल्सो वांट टू शेयर, बट आई डोंट नो, आई कांट शेयर इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. हम यहां से कट कर देंगे अगर आई शेयर विद यू. तो तुम आंसर नहीं दे रहे हो यानी यार, तो इट्स वेरी शर्म. क्या है क्वेश्चन वैसे? नॉटीएस्ट ड्रीम यू एवर हैड? आई थिंक मेकिंग आउट विद समबडी हु इज यंगर टू यू. ओह ओके, ऐसा होता है जब उम्र बड़ी हो जाती है तो उम्र बड़ी हो जाती है लेकिन पसंद वही रहती है. सो इट्स नो, इट्स एक्चुअली आई थिंक नहीं, इट्स नॉट अबाउट यंगर आल्सो. आई थिंक आई जस्ट गुड लुकिंग मैन. व्हाट डू यू मीन? समबडी हु माइट बी लाइक इन देयर 40s, बट दे लुक अमेजिंग.
है ना, हॉट मैन. हाँ, दे आइदर दे शुड बी लाइक 40 प्लस, ठीक है, और दे शुड बी लाइक इन देयर 20s, बट दे शुड बी गुड लुकिंग. समझ रही हूं. नहीं वो मेरी वीडियो को देखेगा, तुम्हारी नहीं देखता वो. भाई किसी रिश्तेदार ने देखे, तुमने वो बताया था ना दैट ही डजंट वॉच योर वीडियोस. हां तो मेरी क्या ही देखेगा. व्हाट इज योर मोस्ट अट्रैक्टिव, योर मोस्ट मतलब व्हाट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट द ऑपोजिट सेक्स. आई थिंक आई मैंने आंसर करा. आई थिंक आई फील दैट थोड़ा सा मैं ऐसे गुड लुकिंग पीपल. आई व्हाट अबाउट द गुड लुक्स, लाइक द हेयर maybe. Okay. I mean it's very random, but I like people with good hairstyle. I know for a fact that jo hairstyle maintain karta hai na, they are very much high maintenance men. So yes, you can say a little bit of high maintenance. Okay. Men. And I know it's not a good trait to look into, because jo high maintenance men hote hai, unka dimag bhi bahut saath pe aasman pe hote hai. Usually I'm not generalizing. I live with one. When I'm talking about people who have either accomplished a lot in their life and at the same time वो दिखते भी अच्छे हैं, so that's like a deadly combination for me. कि accomplish भी कर लिया और दिखते भी अच्छे हैं, but then I know that I cannot be myself because I kind of want to be dominant also वहाँ पर. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे ऐसा लगे कि कोई भी यहाँ पे लॉयल नहीं है. फैंटेसीज भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट क्या पसंद आता है लड़की में. सो व्हाट, ऐसा मत सोचो, इतना मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है तुमने ना तो, और ना ही ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है. बाकी तो लोगों का दिमाग है ना यार, जिसको जैसे लेना है. व्हाट अबाउट यू? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अच्छी लगती है एक आदमी में वो लगती है उसकी आवाज. ओह यस, है ना, अगर आवाज डीप और गहरी है ना, मतलब I know these things are superficial, but I think those are the first thing that you notice about any person. Nature nature तो बाद में आता है, but yes, to start with at least आवाज. पर हमने कोई शादी थोड़ा करने के लिए बोल रहे हैं जो हम बोलेंगे कि you know understanding होना चाहिए. The thing is that one of the things that I was attracted to my husband was because he sings really well. Oh okay. So I think लड़कों में ना कोई talent होना चाहिए, either singing या फिर dance अच्छा करें. Booking करने वाले लड़के मुझे बहुत मतलब कुछ talent होता है ना, like it's a turn on for me. And जबकि cooking जैसी चीज तो life skill होता है, but लड़कों को नहीं आती, but जिनको आती है मुझे थोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं. यार मेरे husband he started cooking a lot and काफी अच्छी अच्छी recipes पे experiment करते हैं. And I think the more he does that, the more domestic he portrays him ना, the more I started liking him. कि अभी बोलते हैं ना, you fall in love again. So that's my phase right now that I'm falling in love again because we both have grown, like 17 साल हो गए हमारी शादी को. change हो जाते हैं. You constantly have to find a pivot अपनी relationship को hold करने के लिए. So there's this beautiful shift in our lives जहाँ पर he's taking care of the home. डुगु का भी ख्याल रख रहे हैं because he's working from home all the time. And he even packs me lunch. ठीक है, एंड पीपल विल बी लाइक कि यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम करते हो तो तुमको कोई एक्नॉलेज नहीं करता. द थिंग इज दैट आई क्रेव फॉर दैट एक्नॉलेजमेंट. अगर कोई मुझे एक्नॉलेज करेगा मेरे काम के लिए, आई वुड अप्रिशिएट दैट. तो अगर मेरा पति कर रहा है और जो चीज़ मैं क्रेव करती हूँ, तो मैं क्यों नहीं अप्रिशिएट करूँ व्हेन आई क्रेव द सेम थिंग. क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा कि अरे ये तो क्या हो गया, आप ड्रेसिंग तो पैक कर रहा है. इट्स नॉट अ बिग थिंग. नहीं आएगा ऐसा कुछ, अरे करते हैं लोग. हाँ आता है. एक्चुअली इसलिए भी है क्योंकि जिस जनरेशन से हम आते हैं, हमने अपने महीने में एक बार आज पापा चिकन बना रहे हैं, राइट है, तो हमने वो चीज देखी नहीं. अब हमारे जब आगे की जनरेशन होगी, उनके लिए बात बहुत नॉर्मल होगी. हमारे लिए ये चीज, ये जेस्चर इतना ग्रैंड क्यों है या इतनी हम इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज हमने पहले किसी को देखा नहीं है. तो हम वैसे वाले स्कूल ऑफ थॉट से बड़े हुए हैं जहाँ पे औरत ही काम करती है. एंड आई अप्रिशिएट हिम डूइंग दिस बिकॉज ही आल्सो अंडरस्टैंड कि हमें हमारे बेटे को भी ये वैल्यूज देनी है. हाँ. सो इफ हिज ही इज इन द किचन, माय सन व्हेन जब वो बड़ा होगा, उसके लिए ऑकवर्ड चीज नहीं होगी कि किचन में वो काम कर रहा है. क्योंकि मेरे पापा भी करते थे. लाइक दिस इज लाइक अ बिग फिलोसफी फॉर मी इन माई लाइफ दैट हम एक साथ सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, बट हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं. बुन बुन से घड़ा भरता है. Do you think you are a good kisser? Yeah, I like to think so. Yeah. मेरे केस में ऐसा होता है. If I like the person enough, then I'm a good kisser. If I don't, अब तो चलो शादी हो गई है, अलग माहौल हो गया लाइफ का, but otherwise
किस तरीके की मैं थी कि इफ द पर्सन इज रियली गुड एंड आई लाइक हिम अ लॉट तो फिर आई विल बी गुड किसर अदर लाइक चल निकल अकॉर्डिंग टू यू हु इज द वर्स्ट यूट्यूबर एंड व्हाई आई हैव द आंसर गिव इट I mean, सब लोग जानते हैं, there is this YouTuber called Arman Malik. Same here, same here, same here, same answer. Copy paste. I literally hate that person because he has millions of following. Yeah. And जो follow कर रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? That having two wives is okay. And treating them like shit is even okay. हाँ. And ये भी है कि it is okay to like create content. Nobody cares. I mean, people are watching. हाँ. I would say there is a specific genre of creators that I don't like जो कि छोटे बच्चों को milk करते हैं when they are hurt आप उनको तब भी दिखा रहे हो even if your parents चाहे Indian हो चाहे international हो है ना और you have somebody who is vulnerable in your family आप उसको milk कर रहे हो literally for content and for views I just don't like those kinds of people हाँ ऐसे तो कोई भी चीज जब आप बहुत extra milk करते हो या फिर you make a big deal out of it या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही हाइप क्रिएट कर देते हैं चीजों की मुझे वो भी अच्छा नहीं लगती ये वाला ले लो इसके लिए शेयर छोड़ दो ये क्या जवानों वाले सवाल पूछे हमसे बुड्ढो वाले सवाल पूछो मतलब शादीशुदा वाले पूछो नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डू यू सी कफ्स एंड लैशेस इन नेक्स्ट टू इयर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग कफ्स एंड लैशेस इज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज लाइक वेरी 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 रफ फेज एंड आई जस्ट डोंट नो क्या होगा क्लैरिटी नहीं है आई डोंट नो इफ आई वुड बी एबल टू सर्वाइव दिस वन ईयर things happen rocky and yeah brand chalana na aasan kaam nahi hai if you do not have the money you cannot run because the thing is that audience jo CAC hota na customer acquisition cost that's so high that to sell ek 200 rupees ka product you might end up spending 1000 rupees and plus the competition around beauty has been a little difficult and secondly with the entry of international products in the Indian market it's even more difficult because now people want to use only international products because everything is available hai na to thoda mushkil ho gaya hai and competition bahut hai is sector mein beauty aur skin care so it's difficult ab dekhte hain mera purple ke sath mein contract is ending in may so let's see how I remember us speaking before you were going to finally decide ke purple ke sath I don't know I felt it was a very good decision ki main it's a big platform to be very honest but I felt even though it was big we itne sare brands ke beech mein na kahin Kafs & Lashes kho gaya hai and right now even if I do anything things are not converting for me I've always said this mera margin profit margin is never like extraordinary ki main 50 ka jo hai 200 kar rahi hu aisa nahi hai which actually is also one of the reason that Kafs & Lashes is dying because the cost of marketing the cost of you know being on the platforms it's huge we have to put in a lot of money to build and agar aap profit nahi bana pa rahe ho then you cannot and aaj ki date mein if you cannot create content even if you are a brand owner You cannot survive. As a viewer, we believe social media is fake. As a creator, what are your thoughts? There is a grey area वहाँ पर मैं बोलूँगी, because yes, some people choose to fabricate things life को थोड़ा exciting दिखाने के लिए क्योंकि हर रोज़ तो आपका exciting नहीं हो सकता ना. But at the same time, but demand भी हो जाती है ना demand होती है तो supply करना पड़ेगा. Everybody wants to see अब Arman Malik की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों है इतने views? नहीं होने चाहिए ना ऐसे चैनल क्यों है क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं लोग तो ऐसे अगर वो आंटी है ना और भी लोगों को ऐसे फिर वो मिलता है कि अच्छा ये करने से चैनल बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर मुझे भी करना चाहिए और कई तो क्रिएटर्स मैंने देखा ऐसे हैं जिनको पता चल जाता है ना जबकि अच्छा मेरी इस चीज के बारे में बहुत बात हो रही है भले नेगेटिव बोल रहे हैं बट वही चीज करते हैं जान बूझ के बार बार एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बिकॉज हम दोनों का मेकअप हो गया और लाइट ऑनेस्टली काफी चली गई जो जो यू ऑल्सो शुड हैव गॉन ऑन दिस इन्फ्लुएंसर ट्रिप इट वुड हैव बीन ग्रेट रिफ्रेशमेंट फॉर यू क्यों नहीं लेके गई मुझे अरे ये दिल्ली के लोग गए थे सारे एंड थैंकफुली मैं नहीं गई मेरे से नहीं कैचअप हो पाता है मैं बहुत अलग तरीके की बातें करती हूँ अलग तरीके की मेरी लाइफस्टाइल है एंड आई गेस आई तो नो दीज पीपल ना यशिता हो इशिता हो शिवानी हो अनिंदिता हो आई हैव नोन दीज पीपल फॉर सो मेनी इयर्स एंड आई डोंट थिंक आई डोंट नो एनीबॉडी मेरी अनिंदिता से हाय हेलो है इंस्टाग्राम पे बस उससे ज्यादा मैं किसी को शिवानी से हाय हेलो थी अब मेरी वो भी नहीं होती है दो दिन का ट्रिप बहुत शॉर्ट ट्रिप था वो आप तो जेलप ही नहीं कर पाओगे ना एंड देन आपको हर चीज अनॉय करती है एंड देन आप वापस आके फिर क्रिप करते रहोगे कि अरे यार मैं क्यों गई मुझे लगता है ऐसे ट्रिप्स करने पे हमेशा दोस्ती खराब ही होती है
सही नहीं होती. मैं अपने बहुत कम फ्रेंड्स के साथ अब ट्रिप करना पसंद करती हूँ. अनिता ने उस ट्रिप पे बोला था कि आपका जो ट्रैवल कंपेनियन है ना, आपका कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ट्रैवलिंग के लिए. या फिर अगर आपको कंफर्म नहीं है ना कि इसके साथ क्या कंपैटिबिलिटी, बट ट्रैवल करके देख लो उस इंसान के साथ पता चल जाएगा. कई बार बहुत अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन उनका ट्रैवलिंग वो नहीं मैच करता है, वो चीज़ इसलिए मैं करती भी नहीं हूँ. हु इज दैट वन क्रिएटर यू गाइस बिच अबाउट इन अ हेल्दी वे, ऑब्वियसली नॉट टू डिमीन एनीवन. हम कभी भी मिलते हैं तो ऐसे एक इन्फ्लुएंसर की बात, एक यूट्यूबर की बात हम जरूर करते हैं जो बहुत मिल्क करता है कंटेंट को. दो लोग ऐसे हैं, दो लोग हाँ, नहीं नहीं नाम नहीं लेंगे हम, बट हाँ हम दो लोग हैं जिनके बारे में हम ऐसी बातें करते हैं एंड हमारे सिमिलर एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं उन दोनों क्रिएटर्स के साथ. तो हम कभी कभार अपना दुखड़ा रो लेते हैं कि अच्छा तुझे भी धोखा मिला है. हाँ मुझे भी धोखा मिला है. एंड आई थिंक अभी वी आर आल्सो, वो कहते हैं ना टाइम इज अ हीलर, तो अभी वी आर आल्सो पास्ट दैट हील. हील से ज्यादा मैं कहूंगी वी, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे उस चीज का हिस्सा ही नहीं बनना. आई एम डूइंग माय ओन थिंग, being in my space and lane and I've got nothing to do with anybody else. तुम और शिवांगी हो जिससे मेरी बात होती है, और तुमसे भी ऐसे नहीं कि गप्पे लड़ाने के लिए हर वक्त बात कर रही है. कभी हो रही है बात तो बहुत naturally, organically होती है, otherwise it's okay. I know she wants good for me and she knows I want good for her. ठीक है, hope you guys enjoyed the video. हम लोग ऐसी बातें और इससे भी बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, बट आज पहली बार कैमरे पे किया है तो होप यू गाइज ऑल्सो इन्जॉयड. मैं थोड़ा सा I like to hold an image of myself. I am a people pleaser, बहुत big time. तो थोड़ी देर मेरे लिए थोड़ा सा हो गया था, but ठीक है. I hope you guys enjoyed it. You good. और जो निधि के चैनल पे वीडियो है मैंने बताया स्टार्टिंग में, वो प्लीज जाके देख लेना. एंड दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. होप यू गाइस एंजॉयड. इफ यू डिड लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. दोनों हम ऐसे दो चुड़ैले लगते हैं ऐसे ऐसे करीब करीब. ओके बाय.